एम्बुलेंस में डीजल भरने के पैसे ना होने से एक घंटा तकलीफ में गर्भवती महिला के पेट्रोल पंप पर अटकने की दुर्दैवी घटना सामने आई है, जिससे अब चंद्रपुर ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली घटना चंद्रपुर में हुई है। एम्बुलेंस में डीजल भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पैसे थे ही नहीं, पैसों का इंतजाम करने में ही एक घंटा लग गया। एक घंटे तक एम्बुलेंस पेट्रोल पंप पर खड़ी रही। इस एम्बुलेंस में गर्भवती महिला दर्द से तड़पती रही। निशब्द कर देने वाली ये दुर्दैवी घटना गोंड पिपरी तहसील में हुई। चिकित्सा अधिकारियों तहसील चिकित्सा अधिकारियों की जेब में क्या 1,000 रुपए भी नहीं थे? बजट में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हजारों करोड़ के बजट की घोषणा की जाती है, क्या सच में इस घोषणा पर अमर हो रहा है? गोंड पिपरी में हुई इस घटना से अब स्वास्थ्य विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। गोंड पिपरी के ढाबा में मोनिका रामदास तांगड़ पलेवार इस गर्भवती महिला को प्रसूति वेदनाएं होने लगी। उसे इलाज के लिए ढाबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर दिया गया। प्रकृति गंभीर होने के कारण योग्य इलाज के लिए मोनिका को चंद्रपुर रेफर किया गया। ढाबा स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस निकले। गोंड पिपरी के पेट्रोल पंप पर उनका हमेशा व्यवहार शुरू रहता है, लेकिन डीजल का पैसा नहीं मिलने के कारण पंप चालक ने समय पर डीजल डालने से इनकार कर दिया। एम्बुलेंस में डीजल ना होने के कारण पैसों का इंतजाम करने में करीब एक घंटा लग गया। इस बीच गर्भवती महिला को लेकर एम्बुलेंस पेट्रोल पंप पर फंसी रही। इसके बाद तहसील विधान अधिकारी डॉक्टर दिनेश चकोले ने पैसों का इंतजाम किया और एम्बुलेंस को चंद्रपुर के लिए रवाना कर दिया। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से निधि उपलब्ध होने के बावजूद एम्बुलेंस में डीजल के अभाव से गर्भवती महिला का जीवन स्वास्थ्य विभाग ने जोखिम में डाल दिया है। जब इस बारे में अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वित्तीय मामलों में कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त होने और पंचायत समिति स्तर पर बिल अटके रहने के कारण ऐसा हुआ है। एक घंटे बाद पैसे जोड़े गए और मोनिका को जिला अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद मोनिका ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने बताया कि माँ बेटे दोनों ठीक है। गौर करने वाली बात तो ये है कि अगर सही समय पर पैसे ना जुड़ते और गर्भवती महिला और उसके शिशु को कुछ होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? कब तक कमजोर स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी? ऐसे तमाम सवाल स्थानिकों द्वारा किए जा रहे हैं। मंगळवारी धाबा येथील गर्भवती महिलेला वेदना व्हायला लागला, त्याच्यानंतर तिथल्या डॉक्टरांनी चंद्रपूरला उपचारासाठी रेफर केले, परंतु धाबा पीएससी मधून गाडी निघाल्यानंतर गोंडपिपरीच्या पेट्रोल पंपावरती आली आणि त्या ठिकाणी डिझेल टाकायला आरोग्य विभागाकडे पैसे नसल्याने त्या ठिकाणी एक तास चक्क ती रुग्णवाहिका थांबली आणि एक तासानंतर त्या ठिकाणी डिझेलची व्यवस्था झाली, पैशाची जुळवाजुळव झाली। याच्यामध्ये त्या महिलेचा जीव खरंतर धोक्यात टाकण्याचं काम आरोग्य विभागानं केलेलं आहे। ढाबा आणि गोंडपिपरी हे 12 किलोमीटरचं अंतर असताना देखील गोंडपिपरी येथील डॉक्टरांकडे ढाब्याचा चार्ज आहे। ढाबा येथे 3-3 MBBS डॉक्टर असून चार्ज मात्र त्यांच्याकडे नाही। ही बाब अतिशय गंभीर आहे। त्या महिलेचं बाळ आज दगावू शकलं असतं अशा अनेक घटना गोंडपिपरी तालुक्यात घडलेल्या आहेत। अनेक मातांना आपलं बाळ या आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभारामुळे आजपर्यंत गमवावं लागलं, परंतु त्या महिलेवरती योग्य उपचार एक तासानंतर त्या ठिकाणी मिळालं। आज सुदैवानं ती महिला सुखरूप असून तिला एक बाळ देखील झालेलं आहे, परंतु या प्रकरण गंभीर असून या ठिकाणी जे दोषी अधिकारी आहेत त्यांच्यावरती कार्यवाही करावी। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।